रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। कहाँ थे तुम? मैं तो यहाँ ही खेल रहा था अब्बाजान, और हम यहाँ परेशान हो रहे थे। बेटा पूछे बगैर कहीं नहीं जाते। आदाब अर्ज़ काजी साहब। ओहो आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, खूब मुलाकात हुई, आप ही की तलाश थी। क्यों खैरियत? दिलावर नामी बदमाश को तो आप जानते ही होंगे। दिलावर? वो तो नहीं जिसे कुछ अरसा हुआ एक डाका डालने के जुर्म में हमने सजा दी थी? जी वही, वो आपसे बदला लेना चाहता है। लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है? उसका ख्याल है कि आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। बड़ा खतरनाक आदमी है, जरा होशियार रहिएगा। हम आज तक किसी की धमकी में नहीं आए, कानून की हिफाजत हमारा फर्ज है, और इसके लिए जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। फिर भी जरा चौकन्ने रहिएगा। शुक्रिया। Thank you.
वैसे तोड़े क्या, तुम्हारे लिए तो आसमान के सितारे तोड़े थे, दिल न तोड़ा करो। अतो सलाम खानम भी। कौन दिलावर, तुम यहाँ? नजराना देने आया हूँ, ये लो। नाप नक्शा तो बहुत प्यारा है दिलावर, रख तो लूं, पर कोई आंच ना आए हम पर। ना आंच तो जांच, बेफिकर हो रहा हो। पर एक मुंह लगती और सुन लो, हम फिर कभी लौटाएंगे ना इसे। ना ना, कौन लेने आएगा इसे। अच्छा तो उल्टे पांव हो लिया, फिर मिल लेना। बहुत अच्छा, सलाम खानम भी। क्या नाम है तुम्हारा, भली बताओ ना। अमीरन। अमीरन, ये नाम तो नहीं भाया हमें। ऐ खानम भी, उमराव कैसा रहेगा? हाँ अच्छा रहेगा, हम तुम्हें उमराव करके बुलाएंगे। खानम भी मुझे दे दो, मैं अपनी निगरानी में पालूंगी इसे, वैसे तो तुम्हारी ही रहेगी। हाँ हाँ ले जाओ ना, तुम इस घर से कौन सी दूर हो। आ बेटा। किसी अच्छे घराने की मालूम होती, जैसे किसी भरे घर से धगा की है लाने वाले ने। मालूम तो ऐसा ही होता है। अच्छा भी खानम, मैं इजाजत चाहूंगा। आदाबरज। खाएंगे, जरा सा खा लो। अमीरन कहाँ है? अमीरन हमारी बहन कहाँ है? आएगी, तुम तो खा लो। नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे तुम रो रही बेटा, आ, आ, लो खाना खा लो, मैं थोड़ा सा खाऊंगा। नहीं हम नहीं खाएंगे। खा लो रानी, खा लो, मेरा लाल, मेरा करेगा। हमारा भाई अमीरन, अमीरन माँ। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी, आप डर गई हो क्या? क्या देखा था? मैंने अपनी माँ को देखा था, मैंने अपने भाई को देखा था। आ मेरे पास, हमें अपनी माँ समझा करो बेटी, अब तुम्हारा यही घर है। आ सो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटी, जरा पढ़ के सुनाओ इसे। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे। Thank you.
दूर दूर तक जवाब नहीं मिलेगा। उस्ताद जी, अल्लाह क्या सारी जिंदगी इसी तरह नाचना और गाना होगा मुझे। अदाओं में शोखी, निगाहों में मस्ती, लड़कपन मुझे दे गया जाते जाते। आजकल शायरों की महफिल में बड़ा चर्चा है तुम्हारा। क्या ये ताजा गजल है तुम्हारी? गजल क्या है, मेरे दिल की पुकार है, मगर किसने सुनी, किसने जानी,
कौन जाने? कोई जाने न जाने, मैं तो जानता हूँ। बेटी उमराव। बेटा, जब से तुम यहाँ आई हो घर सुना सुना हो गया है मेरा। दो चार रोज रहकर चली आना, इजाजत ले ली है मैंने खानमबी से। खूब रही। क्या बात है साहब, क्या बात? भाई रुसवा साहब, महफिल तो खत्म हो चुकी, मगर उठते उठते जरा मतलब फिर हाँ अर्ज किया है। सामने अपने वो अगर होता, बहुत अच्छा। सामने अपने वो अगर होता, काबा बतला ये किधर होता। वाह क्या खूब, ये तारीफ किधर से उठी? तारीफ के साथ रुसवा भी उठे। भाई शेर पर दाद मिली है, आदाब तो कर लूं। जरूर जरूर। किसने बाम पे आके ये गुल खिलाया है? आगा साहब बहुत अच्छे। मौके की कही है। आदाब रजे। आया नजर ये जलवा कि शोख दिलरुबा का। सुनते हैं नाम हम भी उमराव जान अदा का। बहुत खूब, उमराव जान अदा साहिबा, आदाब। तस्लीम। नाम बहुत सुन रखा था, आज दीदार भी हो गया। आपके शेर ने तड़पा दिया और मुझे आपने। बाम दो ही चार हाथ है, मगर कमन टूटने का खतरा है, तो उधर से होकर आ जाइए। शुक्रिया। सुनते हैं कोई हुसैनी बुआ रहती है पड़ोस में, मगर बुआ की जगह अदा निकली, वो उमराव जान थी। उमराव जान? जी हाँ। चूक हो गई, पहले से खबर न थी वरना महफिल में जान आ जाती। अजी आगा साहब, ये मौका फिर भी आएगा। अमा आगा, आज वो अपने नवाब लौटन नहीं आए। आदाबर्स है जी हाँ, बहुत उम्दा है जी हाँ, बड़ी नवाजिश है जी हाँ। लो वो आ गए। नवाब लोटन साहब, लोगों के जाने का वक्त और आपके आने का वक्त। अजी क्या अर्ज करूं, जरा कनकवे लड़ा रहा था। अच्छा चौक है, मगर ये शाम को छतरी कैसी? ओह माफ कीजिएगा, मुशायरा था, सोचा रात देर से जाना होगा, ओस गिरती है, जरा जुकाम से डरता हूँ। नजाकत सलामत। अच्छा बंदा तो जाता है। आदाबर्ज। आदाबर्ज है जी हाँ, बहुत उम्दा है जी हाँ, बड़ी नवाजिश है जी हाँ। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आदाब बजा लाता हूँ। जी तरह तकलीफ दी आपको? बेतकल्लुफी इसी को कहते हैं। तो ये उमराव ने महफिल से उठाया आपको? देखिए अब कहीं इनकी भरी महफिल से ना उठाया जाऊं। हाँ इनमें शरारत तो है। शरारत नहीं, शराफत है। शराफत ही जिंदगी की जान है। बहुत अच्छे। वाह उमराव जान साहिबा, आपकी हाजिर जवाबी ने तो लाजवाब कर दिया। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। सच पूछिए तो शायरी का तभी से शौक है जब से होश संभाला। अजी आपने होश क्या संभाला, दूसरे होश को बैठे। शुक्र है आप बेहोश नहीं हुए। आप ही का ख्याल है जो हमें संभाले हुए है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अगर नागवारे खातिर न हो तो एक तकलीफ गवारा कीजिए। फरमाइए। परसों मेरे यहाँ मुशायरा है, कुछ देर को आ जाइए। बड़ी खुशी की बात है, मगर कल बता सकूंगी। तो कल मैं आदमी भेज दूंगा, आप खबर भेज दीजिएगा। जी अच्छा। अमा आगा जी, ये रुस्वा अदा को लेने गए हैं या अपनी अदाएं दिखाने गए हैं? मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। आदाब बजा लाता हूँ। लीजिए, वो तो महफिल की शमा लिए चले आ रहे हैं। माफ फरमाइएगा, देर हो गई। अमा बहुत देर कर दी आपने। आइए आइए आइए। उमराव जान आई, महफिल में जान आई। बहुत अच्छे शहदा साहब, बहुत अच्छे। आप हैं हमारे बहुत बेतकल्लुफ दोस्त नवाब सुल्तान अली खान साहब शहदा। आदाब। आदाब, मगर वल्लाह आदाब में भी अदा है। जी अदा में भी महफिल के आदाब हैं। बहुत खूब। शुक्रिया। आप हैं आगा साहब,
और आप मुंशी साहब। आदाब। तस्लीम। तशरीफ रखिए। मीर तकी मीर, शायरी के ना खुदा। और ये मोमिन, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बहुत खूब। शुक्रिया। और ये बाजार हुस्न जिन पर शायरी की जाती है। तशरीफ रखिए। आई सुल्तान। जी हाँ, मैं बैठ रहा। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आदाबर है जी हाँ, बहुत उम्दा है जी हाँ, बड़ी नवाजिश है जी हाँ। हाँ, यहाँ तो दो दो शमाएं मौजूद हैं। आप उमराव जान अदा हैं। तस्लीमात है। और जभी तो आप माशाल्लाह बहुत उम्दा हैं और खाकसार तखल्लुस फरमाता है लोटन। तुमको देखा अजीत, तुमको देखा और मैं लोटन कबूतर हो गया। जरा बेसाख्ता पर मुलायजा हो। तुमको देखा और मैं लोटन कबूतर हो गया। अरे जख्म दिल बढ़कर 71 से बाहर। भाई 71-72 का जवाब नहीं। वाह वाह। रुस्वा साहब जी हुजूर, अब मुशायरा शुरू होना चाहिए। जी हाँ। अरे भाई आगा साहब, बिस्मिल्लाह। हाँ आगा साहब, कुछ हो जाए। बिस्मिल्लाह। भाई मुझे तो माफ कीजिए यारो, खता माफ के हम शेर क्या सुनाए। बुलबुल गजल सरा हो तो कौओं की कहां कहां है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हां का जवाब नहीं, बहुत अच्छा। वाह वाह सुभान अल्लाह। रुस्वा साहब, नई गजल के दो तीन शेर याद हैं। माशाल्लाह। अर्ज किए देता हूँ। फरमाइए। इरशाद इरशाद। किस्मत की अंधेरी रातों पर जब उनकी नजर हो जाती है। वाह 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 वाह। उठान तो बहुत। किस्मत की अंधेरी रातों पर जब उनकी नजर हो जाती है। वाह वाह। शर्मा के अंधेरा छुपता है घबरा के शेर मुलाजा हो। इरशाद इरशाद। खामोश मोहब्बत में अक्सर तासीर ये मैंने देखी है। वाह 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 वाह। खामोश मोहब्बत में अक्सर तासीर ये मैंने देखी है। दिल मेरा धड़कने लगता है और उनको खबर। मक्ता अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। इल्जाम से डरती है दुनिया। इल्जाम से डरती है दुनिया। इल्जाम से डरती है दुनिया, वैसे ये हकीकत है रुस्वा। करता है मोहब्बत हर कोई, कहता है मगर हो जाती है। हो जाती है। वाह वाह रुस्वा साहब, बहुत खूब। अब हमारे शहजादा साहब कुछ इरशाद फरमाएंगे। हजरत, गजल तो इस वक्त कोई याद नहीं, एक नज्म है। हुस्न इत्तेफाक से उनवान है बाजार हुस्न। इरशाद। जो कोठों की रौनक बढ़ाए हुए हैं, जो कोठों की रौनक बढ़ाए हुए हैं, जो दुकान अपनी ही सजाए हुए हैं, गली और कूचे बसाए हुए हैं, वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं। अरे गली और कूचे बस आए हुए हैं, वल्लाह क्या क्या। वो घुंघरू की पायल की झनकार लेकर, कुछ इनकार लेकर, कुछ इकरार लेकर, जरा सौदेबाजी की तकरार लेकर, निगाहों में बिजली छुपाए हुए हैं, वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं।
है अपना बनाने के अंदाज सारे, ये गेसु ये चितवन अदाएं इशारे, अदाएं इशारे, मिला जो भी उससे कहा है तुम्हारे, अरे ये धोखा है जो हम भी खाए हुए हैं, वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं। ये कोठों की मलिका, ये कूचों की रानी, ये बाजार के मनचलों की जवानी, ये बाजार के मनचलों की जवानी, आय हाय, ये कोठों की मलिका, ये कूचों की रानी, ये बाजार के मनचलों की जवानी, ये आशिक मिजाजों की रंगी कहानी, अरे सितम सारी दुनिया पे धाए हुए हैं, वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं। बहुत अच्छे शहदा साहब, बहुत अच्छे। शुक्रिया। जवाब नहीं शहदा साहब। किसका जवाब नहीं, नज्म का या मफहूम का? जो भी समझ लीजिए, मैं तो समझता हूँ कि छेड़ थी। छेड़ थी या नश्तर था? अजी हम सब तो आपके मुश्ताक हैं, महफिल का रंग न बिगाड़िए और रस घोलती आवाज से जी। भरी महफिल है और अब रंग पर महफिल भी आई है, उठी है हुआ कभी दिल से तो दिल ही में दबाई है, मगर जब दिल दुखाया है तो लब तक बात आई है। अजी किसने दिल दुखाया है? ये अफसाना नहीं है सुनने वालों, दिल की बातें हैं, सियाही रंग की है वैसे बड़ी रंगीन रातें हैं। वल्ला बिल्कुल सही नक्शा खींच डाला है शहदा साहब। है गुस्ताखी मगर कहना है कुछ दुनिया से मर्दों से, फरमाइए। शरीफों मन चलो मुल्लाओं से आवारा गर्दों से, है बेपर्दा मगर ताने दिए जाते हैं पर्दों से, ये अफसाना सही है, इशारे और ताने दोनों पर्दों ही से हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। ये जो कोठे की मलिका है, ये जो कूचों की रानी है, जो पढ़ सकते हो पढ़ लो, ये तुम्हारी ही कहानी है, समाजों कौम की बेआब रुई की निशानी है, ये अफसाना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो सच पूछो तुम्ही मर्दों ने ये कोठे सजाए हैं, हसी बाजार तुमने अपने हाथों से लगाए हैं, तुम्हारी ही बदौलत हम भी इस महफिल में आए हैं। भाई वल्ला क्या बात कह दी, तुम अपनी बीवियों को छोड़ कर कोठों पे जाते हो। मैंने कहा आगा साहब मुंशी साहब मुलाजा फरमाइए। बीवियों को छोड़ कर कोठों पे जाते हो, तुम अपने घर की दौलत को वहाँ जाकर लुटाते हो। लोटन साहब खुशामद नाज बरदारी
लोटन साहब। खुशामद नाज बाल सलामत है अपने सर पर। क्या मुंह लगी कही है, वल्ला बहुत उम्दा है जी हाँ। वाह, जो समझो था तबले की तो ये मुंह पर तमाचे हैं, जो समझो था तबले की तो ये मुंह पर तमाचे हैं, ये सारंगी के तारों पर दिलों के तार बजते हैं, यहाँ इंसानियत खुद नाचती है हम नचाते हैं, हम नचाते हैं। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है। आगा साहब, तमाचे और जूते तो अब सभी कुछ पड़ चुके, अब क्या बाकी रहा है? जवाब बाकी रहा है सवाल का, फरमाइए। अरे ओ जिंदगी के ठेकेदारों, कुछ तो शर्माओ, उठा कर हुस्न का बाजार अपने घर में ले जाओ। अरे ओ जिंदगी के ठेकेदारों, कुछ तो शर्माओ, उठा कर हुस्न का बाजार अपने घर में ले जाओ। सहारा दो, सहारा दो, और इनको माँ बहन बेटी कहलवाओ। सहारा दो, सहारा दो, और इनको माँ बहन बेटी कहलवाओ। ये अफसाना नहीं है, ये अफसाना नहीं है, सुनने वालों दिल की बातें हैं। सियाही गुम की है वैसे बड़ी रंगीन रातें हैं, ये अफसाना नहीं है। इसी के बाद मुलाकात हुई, तशरीफ रखिए। आप कितने आ बजे तकलीफ उठाई आने में? तकलीफ तो आपको देने आया हूँ। नवाब सुल्तान साहब को तो आप जानती होंगी। है, उन्हें कौन नहीं जानता, खुदा देवड़ी आबाद रखे। ऐसे ही नवाबों से तो लखनऊ आबाद है। लीजिए। शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी। खैर, रस्म है जो रख लेती हूँ। रस्म जो थी जो मैंने भी दिया, एक अर्ज है। फरमाइए। आज शाम को महफिल है नवाब साहब के घर, जरा आपकी अदा साहिबा से मुलाकात चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। उमरा बेटे जरा बाहर आना। आई खानम भी। ओ, कौन रुस्वा साहब? आदाब। तस्लीम, तशरीफ रखिए। अरे उमरा सलामत रहो, नवाब सुल्तान साहब ने बुलाया है तुम्हें अपनी महफिल में। नवाब सुल्तान साहब ने? और कोठे की मलका को बुलाया है? अरे कुर्बान जाऊं, क्या नवाब और मलका का जोड़ मिलाया है। मगर खानम भी, मैं वहां नहीं जाऊं। उनकी तरफ से रुस्वा माफी चाहने आया है। माफी? ये बात क्या हुई आखिर? जी अदाएं दिखा रही हैं आपकी अदा साहबा। इत्मीनान रखिए रुस्वा साहब, शाम ढले हाजिर हो जाएगी। हाँ बेटी, जब बुलाया है तो चली जाओ। शुक्रिया, अब जाना चाहूंगा। आदाब सर। उफ़रे ये इंतजार का आलम, देख लो खाकसार का आलम। वल्ला क्या बर्दस्ता जवाब दिया है। आदाब। मालूम होता है अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लबरेज? अमा हुजूर, अब छलकने ही वाला है। फिक्र न कीजिए, उमराव जान आती होंगी। हुजूर, फैजाबाद से एक सौदागर आया है। सौदागर? भाई उससे कहना कि अम्मी हुजूर और छोटी बेगम दोनों घर पर नहीं है, कल आ जाए। बहुत बेहतर। मगर वो नई बेगम साहिबा जो तशरीफ ला रही हैं, उनके वो भी तो तोहफा चाहिए। खूब याद दिलाया आपने। जरा सुनना जी, उस सौदागर को अंदर आने दो। बहुत खूब। आप समझिए हमारा मतलब, माफी के साथ साथ अगर तोहफा भी पेश कर दिया जाएगा तो आपकी मुश्किलें जरा जल्द आसान हो जाएंगी। दुरुस्त। यानी मैं समझ गया। बिल्कुल। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आदाब बजा लाता हूँ हुजूर।
मियाँ बड़े बेमौका आए हो। बात यह है कि अम्मी हुजूर और छोटी बेगम साहबा फरुखाबाद के उर्स पे गई हुई हैं, शायद कल तक वापस आ जाएंगे। तो क्या हुजूर आज बोनी ना होगी? बोनी जरूर होगी, हमारे एक मेहमान आने वाले हैं, लेकिन कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। हुजूर जब बोनी हो रही है तो जिंदगी भर इंतजार करूंगा हुजूर। मगर इस बात का ख्याल रहे कि जनान खाने में बिल्कुल खबर ना हो। क्या मजाल है हुजूर, जुबान कटवा दीजिएगा गुलाम की। नहीं नहीं सरकार, उमराव जान साहिबा तशरीफ लाई है। लब है खामोश जबां चुप है नजर में बिजली, उनकी खामोशी पता देती है तूफानों का। ये खामोशी कहीं बढ़कर जबान दिल न बन जाए, मैं जिस मुश्किल से डरती हूँ वही मुश्किल न बन जाए। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आप, तो बड़ी हाजिर दमाग हैं। दमाग तो हाजिर है मगर दिल गायब रहता है इनका। अब तशरीफ रखिए। शुक्रिया। रुस्वा साहब, महफिल कहाँ है? अब तो इसी को महफिल समझ लीजिए। वक्त का तकादा तो ये था कि हमारे सिवा महफिल में कोई ना हो। किस लिए? इसलिए कि हम आपसे अपने गुस्ताखी की माफी मांगना चाहते हैं। माफी मुझसे? कोठे की मलका से? ताज्जुब है। बखुदा अब उन पिछली बातों को भूल भी जाइए उमराव जान, हम आपसे सही अर्ज करते हैं कि उस रोज के वाकये के बाद हम बहुत पछताए और हमने महसूस किया कि नादानी या दिल के बायस हम सामान्य अदावत कर बैठे, अपनी ही खता थी जिसके लिए हम उनसे शिकायत कर बैठे। लीजिए, खता करने वाले ने अपनी खता मान ली, अब तो आप खुश हैं ना? अपने किए पे कोई पशेमान हो गया, लो और मेरी मौत का सामान हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदा साहिबा, अगर यही चीज तरन्नुम के साथ हो जाए तो बस लुत्फ आ जाए। किए पे कोई पशेमान हो गया, अपने किए पे कोई पशेमान हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंजिल का रास्ता बहुत आसान हो गया। वाह वाह वाह, मतलब बहुत खूब है। आखिर को रंग लाई मेरी बेगुनाहियां, बेगुनाहियां। आज हमें यकीन हो गया कि सांच को आंच नहीं, मुझको सता के वो भी परेशान हो गया, मुझको सता के वो भी परेशान। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, पशेमान हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कलाम है, क्या आवाज पाई है। वाह 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 वाह, क्या राज है जो आँख मिला ली हुजूर ने,
राज को राज ही रहने दीजिए तो अच्छा है। क्या राज है जो आँख मिला ली हुजूर ने, कि आज मुझ गरीब पे एहसान हो गया। एहसान तो आपका है हुजूर, जो आपने हमें इस गुस्ताखी की इजाजत दी। लोर मेरी मौत का सामान हो गया, अपने किए पे कोई पशेमान हो गया। वाह उमराव जान, जान आ गई महफिल में। क्यों सुल्तान साहब? ऐसी जान आई कि हमारी जान पर बन गई। ये बहकी बहकी बातें भरी बज़्म में अदा, ये बहकी बहकी बातें नहीं बल्कि नश्तर है नश्तर। ये बहकी बहकी बातें भरी बज़्म में अदा, ये आज क्या तुझे अरे नादान हो गया। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। नादान हो गया, लोर मेरी मौत का सामान हो गया, अपने किए पे कोई पशेमान हो गया, अपने किए पे कोई पशेमान हो गया। वल्लाह नजराना देने को जी चाहता है, फरमाइए क्या पेश किया जाए। नजराना अगर दिल से दिया जाए तो मामूली शय की भी बड़ी कीमत होती है। तो फिर दिल ही क्यों ना दे दिया जाए? दूसरे का दिल संभालेगा कौन, यहाँ तो अपना ही दिल काबू में नहीं। इजाजत दीजिए। हाथ छोड़ सकते हैं, साथ नहीं छोड़ सकते। फिर हाजिर हो जाऊंगी। बखुदा आपके चले जाने से महल सुना हो जाएगा। आपका तो महल ही सुना होगा, यहाँ दिल की दुनिया सुनी हो जाएगी। अमां साहेबजादे जरा यहाँ आना। जी हुजूर। हाजिर हुआ? हाजिर हुआ। आइए आइए भाई, कोई बहुत ही उम्दा और लाजवाब चीज दिखाइए। हाँ यही हार निकालिए। ये हार मुलाहजा फरमाइए, आपके लायक तोहफा है, आप इन्हें जानते हैं। हुजूर अब तक नाम सुना था, आज दीदार भी हो गए। क्या कीमत है इस हार की? कीमत उस हार से ज्यादा ये कीमती न होगा जो गलती से हमारे गले का हार बन गया। तो फिर दिल ही क्यों न दे दिया जाए? दूसरे का दिल संभालेगा कौन, यहां तो अपना ही दिल काबू में नहीं। मैंने कहा कौन पशेमान हो गया, किसकी याद सता रही है? आप लोग आ गई जी, क्या आप उसी तवायफ का ख्वाब देख रहे थे जो कल रात गाने के लिए बुलवाई गई थी? ये आप कैसे मालूम हुआ? मुझे ही नहीं, अम्मी हुजूर को भी मालूम हो गया है, वो बहुत नाराज हो रही हैं। सुल्तान मियां लीजिए, वो आ गए। बेगम का सब हो गया। आधा वर्दी अम्मी हुजूर, आपके मिजाज। आप सोकर उठे हो? जी नहीं, रात जरा रात गए तक गाना सुनते रहे इसीलिए ना। जी नहीं, बात यह है कि बात यह है बात वो है,
लगे बातें बनाने। हमने तुम्हारा नाम नवाब सुल्तान के रख दिया, तुमने सचमुच अपने आप को नवाब समझ लिया। कान खोल कर सुनो, हमारे खानदान में कभी देवड़ी पर तवायफ नहीं नाची। जो अब तक नहीं हुआ उसकी अब भी इजाजत नहीं दी जाएगी, समझ गए? जी अम्मी। जानते हो हम शाहजहांपुर क्यों गए थे? उर्स का सिर्फ बहाना था, हम तुम्हारे मामू जान से तुम्हारी दूसरी शादी का मशवरा करने गए थे। शादी? ये आप क्या फरमा रही हैं अम्मी हुजूर? मजबूर हो गए, तुम्हारे मामू जान भी यही कहते हैं कि जब पहली बहू बांझ है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती। माफ कीजिएगा अम्मी हुजूर, खुदा की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर किस्मत में औलाद है तो खुदा इसी बेगम की गोद भर देगा। 8 बरस से तो गोद न भरी, आखिर खानदान का नाम भी तो चलना चाहिए। हमने बहू बेगम से भी मशवरा कर लिया है, वो भी रजामंद है, फिर तुम्हें क्या एतराज है? कुछ सुना आपने? क्या हर्ज है, आप अम्मी हजूर को दिल की हसरत पूरी कर लेने दीजिए। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी भी एक बात याद रखिए, हो सकता है कि दूसरी बेगम से भी कोई औलाद ना हो, इसलिए अब आप लोग तीसरी का भी इंतजाम कर रखिएगा। अल्लाह, ये जैसे मुआ मुर्दा पड़ा है। ए तुम कौन हो जी, अरे रास्ता छोड़ो। लगता है मुआ अफीम ढेर सी चढ़ा गया है। कौन है बे? कोने में नहीं सामने है बे। रस्ते में काहे को पड़ा सोता है? रोता है, कौन रोता है, कहाँ बक्कत हो, तुम मर्द हो के औरत हो? चल हट मुझे। क्या है, कौन है ये? जी मैं नवाब सुल्तान मियां की तरफ से आई हूँ। आई, समझ गए, उमराव से मिलना चाहते हो? जी। चलो आदाब बजा लाती हूँ, ये खत नवाब सुल्तान मियां ने भेजा है और ये अशर्फियां। लीजिए। अच्छा मैं अब इजाजत चाहूंगी। अच्छा मुंतजर आंखें परेशान दिल तमन्ना बेकरार, कम नहीं है कुछ कयामत से तुम्हारा इंतजार। क्यों ना उन आंखों पे हम कुर्बान हो जाएं अदा, हाय वो आंखें के है जिनको हमारा इंतजार। आदाब बजा लाती हूँ। आदाब। बहुत उमदा है जी, हाँ बड़ी नमाजिश है जी, हाँ तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। अजी आपके इंतजार में तो मैं लोटन कबूतर हो रहा था। नवाब साहब जी, फर्ज कीजिए कि आप सचमुच कबूतर होते? जी होता। और साथ शायर भी? तो उस वक्त आपकी शायरी का क्या रंग होता? अजी मेरी शायरी का तो बहुत टेढ़ा रंग होता, जब मैं चोंच खोलता तो बस इस कमाश के कुछ अल्फाज निकलते, उतर हूँ यानी मैं तुम्हारा हूँ,
तुमने लगाई हाथ पे मेहंदी, मैंने लगाया दिल का खून, कहो तो दिल को दिखला दूं गुटर हूं गुटर हूं। वाह नवाब साहब, कबूतर की शायरी का मजा आ गया। अब इंसान बन जाइए और कोई ताजा गजल सुनाइए। अजी गजल तो मैं कहता नहीं, मगर वल्ला आसमान के तारे तोड़कर लाता हूँ, और फिर ये काम कुछ आसान तो है नहीं। बरसों में एक आध शेर होता है, सुनिए, छह महीने में एक मिसरा हुआ है। अच्छा जी हाँ, पर गिरा नहीं लग रही। इरशाद फरमाइए। मिसरा अर्ज किया है, मैं बना आपका दरबान बड़ी मुश्किल से। अजी मैं बना आपका दरबान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। सुभान अल्लाह, क्या इंसान बनाया है नवाब साहब को, और वो भी बड़ी मुश्किल से। प्यारे मियां, मुंह संभाल कर बात करो, आखिर क्या समझ रखा है तुमने हमें? जी समझने वाले ही आपको खूब समझते हैं, हम तो आपको कुछ भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते जी? अबे हम खानदानी नवाब हैं, खानदानी, वल्ला गुस्सा ना दिलाओ वगरना खून की नदियां बह जाएंगी नदियां। खुदा ना करे नवाब साहब, आप इसकी बातों पे मत जाइए, ये मुआ तो खान है खान। बिल्कुल ठीक फरमाती हैं आप, लाहल वाला कुआं। कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं आप? जी मैं अज्जन मियाँ की देवड़ी से आ रहा हूँ। अज्जन मियाँ? हाँ हाँ, आज उनके बेटे की सगाई है, तुम्हारी उम्र और जान को मुजरे में बुलाया है, और ये 50 रुपए दयाने के भिजवाए हैं। ऐ कुर्बान जाऊं, बहुत बड़े घर से मुरा आया मेरी बच्ची को। हाय बेबी जी, क्या मैं आज बजा लाती हूँ। क्या बात है गुलशन? बीबी जी, नवाब साहब ने बुलवाया है आपको। सुल्तान मियां ने बुलवाया है जी। तुम माफी मांग लेना हमारी तरफ से, आज तो ना आ सकेगी, कल भेज दूंगी। बहुत अच्छा। कुछ सिला ही न मिला इश्क में जल जाने का, शमा ने लूट लिया सोज भी परवाने का। वक्त से पहले गिला खूब है जल जाने का, हौसला देख लिया शमा ने परवाने का। ताज्जुब है हैरत, आपके आने की तो कोई उम्मीद न थी, खानम ने तो साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार में किसी का इकरार छुपा हुआ था। और आपके इकरार में किसी का करार। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अरे ओ प्यारे, अरे कहाँ है प्यारे? जी जी आया जी आया। मुझे तुझे उमराव को बुलाने भेजा था, तो तू वहीं जाके मर गया। मरते मरते बचा हूँ बीबी जी, उमराव बीबी का कहीं पता नहीं, घर का कोना कोना छान मारा है मैंने। हाय अल्लाह, ये कहाँ चलती, कहीं नवाब सुल्तान के यहाँ तो नहीं चली गई। उनका पैगाम उसने सुन लिया था। मैंने पुकार सुन ली थी आपके दिल की, जो मुजरा छोड़ यहाँ चली आई। दिल की कशिश इसी को कहते हैं, जो हमारे दिल की आवाज सुन ली तुमने। दिल की आवाज तो सुनी जा सकती है, मगर दिल की बात नहीं समझी जा सकती। दिल की बात तो कभी कभी आंखें भी कह दिया करती हैं। औरत अगर चाहे तो मर्द की आंखों में झांक कर बहुत कुछ देख सकती है। जब आंखें चार होती हैं तो पलक नहीं झपकती और आंसू आ जाते हैं। और उन आंसुओं में न जाने किस किस की दुनिया डूब गई है। मगर तुम डूबने की बात क्यों करती हो दा? तुम तो हर तरह आजाद हो, हर किसी के सामने नाचना गाना मुस्कुराना। हाँ सुल्तान साहब, आज मैं जिस बाजार में बैठी हूँ, दुनिया के मर्दों ने उस बाजार में अपनी गैरत जरूर बेच दी है, मगर मेरे अंदर जो औरत जाग रही है वो जान देकर भी अपने आप को न बेचने देगी। अदा तुमने कभी ये सोचा है, तुम एक घाट के पत्थर पर खड़ी हुई हो, मालूम नहीं कब तूफान आ जाए और पानी तुम्हारे सर से गुजर जाए। इससे पहले मैं खुद डूब मरूंगी। सुल्तान साहब इजाजत चाहती हूँ। जा रही हो अदा? अकेले?
जिंदगी के साथी तो हाथ में हाथ दे के चला करते। साथी? जिंदगी के साथी? हाँ दा, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? शादी? सुल्तान के यहाँ? जी हाँ। हजारों रुपए का नुकसान करके सुल्तान के यहाँ चल दी? किससे पूछ कर गई थी? पूछती तो जाने कौन देता। तो अब तुम मनमानी करने लगी हो? याद रखो उमराव, सुल्तान तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहता है। आप मेरी फिक्र न करें, मुझे अपने दिल पर पूरा भरोसा है। दिल पर भरोसा करने वाले हमेशा ठोकर खाते हैं। मोहब्बत से किसी का पेट नहीं भरता बेटी। ये देखो, नवाब लोटन ने 500 रुपए दिए हैं, 10-5 हजार और भी कुर्बान कर देंगे तुम पर। यही हमारे घर की मोहब्बत है, यही हमारी दुनिया की रस्म है। अगर ऐसा ही है तो या तो मैं ये रस्म तोड़ दूंगी या इस घर को छोड़ दूंगी। उमराव, मैंने इस खूबसूरत रख को अपनी दौलत से सींचा है इसकी छांव में बैठने के लिए। इसे जो भी उखाड़ने की कोशिश करेगा मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगी। हुसैनी, बुआ हुसैनी, उमराव, मैंने सब बातें सुन ली, बड़ी तकलीफ पहुंची मेरे दिल को। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मुझ बदनसीब की कौन मदद करेगा उस्ताद जी? तुम भूलती हो, जब से तुम इस घर में आई हो मुझे तुम्हारा बराबर ख्याल रहा। ईश्वर जानता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत पैदा हो गई जो एक बाप को अपनी बेटी से हुआ करती। बेटा, बेटी, आज से तुम मुझे अपने बाप की जगह पर समझ। उस्ताद जी, यहां से फैजाबाद कितना दूर है? कहने को तो ज्यादा दूर नहीं, वैसे सोचो तो बहुत दूर। शायद तुम्हें अपना घर याद आ रहा है। जब से आई हूं बराबर याद आता है, लेकिन कह न सकती थी किसी से। आज बाप के सामने जबान खोल दी। उस्ताद जी, अब यहाँ मेरी इज्जत खतरे में, मेरे माँ बाप का पता लगाइए और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए। चिंता ना करो, मैं जरूर कोशिश करूंगा। उस्ताद जी, पिताजी। हुसैनी बुआ, ये चिड़िया तो उड़ जाने के लिए पर तोड़ रही है। वो तो कब की उड़ गई होती, मैं रोके हुई थी उसे। जल्द कोई बंदोबस्त करो खानम भी, वरना एक दिन अपने घर चल देगी या सुल्तान उसे अपने घर में बिठा लेगा। ऐसे सुल्तान बहुत देखे हैं मैंने, मेरा नाम भी खानम भी है। मैं ऐसी कौड़ी लाऊंगी कि उमराव घर को भूल जाएगी और सुल्तान उमराव को भूल जाएगा। सुल्तान मियां बड़े अच्छे आदमी हैं बेटी। इन बूढ़ी आंखों का तजुर्बा कहता है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है। हाँ उस्ताद जी, वो मुझसे शादी करना चाहते। हम दूसरी शादी के सिर्फ इसलिए खिलाफ थे कि नई बेगम के आ जाने से घर की हुकूमत आपके हाथ से छिन जाएगी। इसलिए हमने एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है जो जिंदगी भर आपकी लौंडी बनकर रहेगी। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, लेकिन अम्मी हुजूर, फिलहाल ये खबर उनसे पोशीदा रखनी पड़ेगी और इस राजदारी में आपको हमारा साथ देना होगा। इंशाल्लाह, मैं इस नेक काम को अंजाम देने में अपना फर्ज पूरी तरह से अदा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आए अल्लाह, 100 जान से कुर्बान, मेरी बच्ची किसके लिए सजदाज रही है? वो सुल्तान साहब आ रहे हैं। सुल्तान मियाँ, उन्हें तो अभी देर है आने में,
एक साथ तशरीफ लाए ही, जी हो तो कुछ नाच गा दो। इस वक्त मुझे माफ फरमाइए। तुम्हारी मर्जी, मायूसी होगी उन्हें। तुम्हारा गाना सुनने फैजाबाद से आए हैं वो। फैजाबाद से? हाँ, यही कुछ कह रहे थे। लेता हूं। आप तो फैजाबाद में हर किसी को जानते होंगे। हर किसी को तो नहीं, अलबत्ता मशहूर आदमियों को जरूर जानता हूं। वहां के मुफ्ती साहब को जानते हैं? कौन? वो हबीब अशरफ साहब? हाँ हाँ, वो ही। उन बेचारों का तो सारा खानदान तबाह हो गया। क्या? बहुत नेक आदमी थे। किसी से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, उसने मियाँ बीवी दोनों का खात्मा कर दिया। सिवा उनके नाम के अब उस घर में कोई भी नहीं रह गया। लोग यहाँ रुपया देने आते हैं और तुम ले जा रहे हो। ये लो, जरूरत होगी तो फिर बुला लूंगी। शुक्रिया। आदाब।
हमने अपनी आंखों से देखा कि वो एक नौजवान के सामने नाच गा रही थी। आज तक उसने हमें इस तरह नहीं लुभाया जिस तरह वो उसे लुभा रही थी। हम उस मंजर को बता नहीं सकते रुस्वा साहब। वल्ला आप भी कमाल करते हैं सुल्तान साहब। अजी हजरत, जब तक वो खानम बी के कोठे पर है, एक नौजवान तो क्या, हजार नौजवान भी आएंगे तो उसे इसी तरह लुभाना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, क्या दलील है। मोहब्बत वो हमसे करती हैं और दिल गैरों का लुभाती हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जिस औरत ने दरिया में रहकर भी अपने दामन को पानी से न भीगने दिया हो, वो किस ऊंचे मर्तबे की औरत होगी। और आप ऐसी औरत को शक शुबहे की नजर से देख रहे हैं। ताज्जुब है। रुस्वा साहब, मोहब्बत कितनी बदगुमान होती है। अब हम उनसे जल्दी शादी कर लेना चाहते हैं। शादी? होश की दवा कीजिए सुल्तान साहब। जिस घर की ड्योढ़ी पर कभी तवायफ का मुजरा ना हुआ हो, उस घर में तवायफ बहू बनकर कैसे आ सकती है। हमने अपनी बेगम से इजाजत ले ली है रुस्वा साहब। अच्छा, मगर इस राज को अम्मी हुजूर से छुपाना पड़ेगा और इसका इंतजाम आपको करना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। शादी आप कीजिए और अम्मी हुजूर की डांट फटकार हम सुने। जो बात की खुदा की कसम। ईश्वर करे तुम्हारे सेहरे के फूल हमेशा हरे भरे रहे। बेटी, शोहर की होकर एक बीवी का फर्ज आखिरी सांस तक निभाती रहना। मर्द का गुस्सा मशहूर है, मगर शरीफ बीवियां जायज नाजायज बात सुनने के बाद भी अपने होंठ सी लिया करती हैं। एक खामोशी हजार बलाओं को टालती है। आज तुम्हारे पांव घर की ड्योढ़ी छोड़कर ससुराल की ड्योढ़ी में जा रहे हैं। इस बुढ़े की एक बात हमेशा याद रखना, ये पांव इस ड्योढ़ी के बाहर न निकले, अगर निकले तो जनाजा ही निकले। I'm not afraid.
खटाई दे वो गम ना पटे की मिठाई दे बंदो खाओ की छुप छुप खटाई दे वो गम ना पटे की मिठाई रे देखो जी वो गम ना पटे की मिठाई रे मेरा दिल हाथ रोगा का भाई रे हाय कैसी ये जोड़ी मिलाई रे हाय रे रमा कैसी ये जोड़ी मिलाई रे मेरी दुल्हन बरेली से आई रे खट्टा कजरे की मैनू मिलाई रे लाई रे खट्टा कजरे की मैनू मिलाई रे वाह 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 हुजूर गुस्ताखी की माफी थोड़ी आतिशबाजी और बच रही है खुशी का दिन है इजाजत हो तो थोड़ा जश्न और मना लिया जाए हाँ हाँ जश्न भी होगा और जलने वालों को ये शिकायत भी ना होगी कि उन्हें शादी में बुलाया ना गया क्या कहने रुसवा साहब क्या कहने रुसवा साहब कुछ ना होने पर भी इतना कुछ हो गया है कि कहीं आतिशबाजी और रोशनी हमारे इस राज को लखनऊ वालों की जबान पर ना ला दे इत्मीनान रखिए नवाब साहब कम अज कम रुसवा के किसी काम से आपकी कभी रुसवाई ना होगी खानम नवाब साहब को मुबारकबाद देने आई बात कुछ समझ में नहीं आई इतने बड़े नवाब की शादी खाना आबादी और वो भी तन्हाई में खानम जी नवाब की शादी और तवायफ ना नाचे खैर कोई बात नहीं शादी पर तवायफ न भी नाची तो क्या एक कोठे की नाचने वाली महल की मलका तो बन गई जबान को लगाम दो खानम शादी से पहले ये उमराव जान थी शादी के बाद छोटी बेगम है हमारी बीवी जबान से कोई और लफ्ज निकालने से पहले खुद ही यहां से निकल जाओ चली जाऊंगी मगर खाली हाथ नहीं नवाब साहब आपने एक बाग से उसकी बाहर लूटी है एक घर से उसकी रौनक छीनी है आपने मेरी कमाई पर डाका डाला है मगर याद रहे खानम वो शोला है जो भड़क उठे तो सारी लखनऊ को जलाकर खाक कर डाले वो तो ठीक है खानम भी मगर आपके इस वक्त भड़कने का क्या मतलब सीधी सी बात है ये खुशी ये आतिशबाजी आप ही लोग देख रहे हैं नवाब साहब की वालदा और उनकी बीवी इस खुशी से महरूम है कितनी बुरी बात है मैं चाहती हूँ ये खुशी ये आतिशबाजी नवाब साहब के महल में बाजारों में मोहल्लों में यहाँ तक कि लखनऊ के कोने कोने में होनी चाहिए और अगर ये काम आप नहीं तो मैं अंजाम देती हूँ आदाबर्दा जी हाँ बहुत उम्दा है जी हाँ बड़ी नवाजिश है जी हाँ आइए आइए नवाब लोटन साहब शुक्रिया अजी जरा वो खानम भी को तो बुलवा दीजिएगा खानम भी तो किसी काम से बाहर गई हुई है अजी वो बाहर गई हैं तो जाने दीजिए अदा जान तो अंदर हैं अब अदा की अदाए भूल जाइए लोटन साहब भाई वाह भूल जाए जिनकी याद में हमने अपने आप को भुलाया उनको भूल जाए भाई वाह ये भी खूब रही बात दरअसल ये है हुसैनी भी कि एक रोज मैं 500 रुपया लेकर आया लेकिन खानम भी ने लौटा दिया वल्ला आज मैं 5000 रुपया लेकर आया हूँ आदा जान पर कुर्बान करने के लिए अब आपकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी 5000 तो क्या 5 लाख भी बेकार है अजी ये क्या आप बदशगुनी फरमा रही हैं क्या खुदा ना खास्ता कारोबार बंद कर देना चाहती हैं आखिर क्या इरादे हैं खानम भी के खानम भी हम तुम्हारे इरादे समझ गए हैं अब कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि तुम भी उस पर खुश होकर चलती रहो
छोटी बेगम साहिबा को भी सुकून मिलता रहे और नवाब साहब की भी इज्जत पर गर्द न पड़ने पाए। हाँ रुस्वा साहब, बजा फरमाया आपने, रास्ता तो सिर्फ एक ही है, अदा छोटी बेगम आपकी और उमराव जान मेरी। मतलब? मतलब यही कि वो बीवी तो होगी नवाब साहब की मगर रहेगी मेरे कोठे पर। खानम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए अपनी इज्जत बाजारों में नीलाम कर दें? तो क्या आप चाहते हैं हम अपनी जागीर आपके हाथों नीलाम कर दें? खानम भी, मैं यही सोच रहा हूँ कि आपकी जागीर और नवाब साहब की इज्जत दोनों का गलत सौदा ना होने पाए। आप तो जानती होंगी कि जागीर से हर किसी को शशमा ही फायदा हुआ करता है और नवाब साहब की तरफ से आपको हर माह फायदा हो जाया करेगा। क्यों नवाब साहब? हमें मंजूर है। ठीक है, मगर ये जबानी बातें। हम तुम्हें जबान देते हैं, फिलहाल ये लो तो तमाम उम्र हर माह घर बैठे मिल जाया करेगा। खुदा हुजूर का घराना आबाद रखे। अगर इजाजत हो तो जाते जाते छोटी बेगम को मुबारकबाद देती जाऊं। खानम भी, मुबारकबाद तो सभी देते हैं मगर आप उन्हें नसीहत कीजिए जो एक माँ रुख्सती के वक्त अपनी बेटी को किया करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आदाब अर्ज़े, आदाब अर्ज़े, आदाब अर्ज़े। तस्लीम छोटी बेगम, नई जिंदगी मुबारक हो मगर इन सफेद बालों का तजर्बा न भूलना। जिंदगी कभी कभी करवट भी बदल दिया करती है। अच्छा, खुश रहो। कितना हसीन हुस्न का अक्से जमील है, ये इंतजार तेरी वफा की दलील है। हमने शेर पढ़ा मगर जवाब नहीं मिला। आपको पाने के बाद हम शेर कहना ही भूल गए। कुछ और पा लिया तो हमें भी भूल जाओगी। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है बीवी बन जाना, उसके बाद वो अपनी हर ख्वाहिश को खाविन की खुशी पर निछावर कर देती है। अच्छा तो देखें, हमारी पसंद देखकर तुम्हें खुशी होती है या नहीं? वो देखो पालना, पसंद आया? जवाब नहीं दिया तुमने ना? मुबारक हो बेगम, कुछ अरसे में इस घर का चिराग रोशन होने वाला है और छोटी बेगम मां बनने वाली है। और आपकी अम्मी हुजूर आपको बहुत जल्द दूल्हा बनाने वाली है। हम आपका मतलब नहीं समझे। मतलब ये है कि आपकी शादी के लिए रिश्ता तय हो गया है। अम्मी हुजूर अभी अभी लड़की को देख कर आई हैं। आपके मामू जान को खत लिखकर बुलवाया जा रहा है। ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई, अब क्या करना होगा? क्यों, क्या बात है? आप परेशान हैं, बताइए ना क्या बात है। कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अदा, दिल में रहकर भी तुम्हें हमारे दिल का हाल नहीं मालूम? हाल तो मालूम हो सकता है मगर राज नहीं मालूम हो सकता। क्यों? हो सकता है कि उसे आपकी बेगम साहिबा ने अपने दिल में छुपा रखा, वो मुझसे पहले आपके दिल में बसी हुई है ना। अच्छा, तो चुटकी ली तुमने?
नहीं, सच पूछिए तो मैं आपकी बेगम साहिबा को आपसे ज्यादा चाहती हूँ। हमसे ज्यादा आप उन्हें चाहती हैं। आपने सुना होगा, तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, लेकिन आज आप परेशान क्यों हैं? जानकर क्या करोगे? एक बीवी का फर्ज अदा करने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। वादा करती हूँ। आजमा कर देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या है। तो सुनो, बेगम की गोद खुदा ने औलाद की नेमत से खाली रखी। अम्मी हुजूर बरसों से मेरी औलाद अपनी गोद में खिलाने के लिए तड़प रही, और कभी कभी वो सरेशाम महलों की शमें बुझवा देती और कहती, जब घर में औलाद नहीं तो हर तरफ अंधेरा छा जाने दो। सरदार जी। अदा, अब तो तुम्हारे गुलशन में बहार ने कदम रखा है। क्या तुम वो खिलने वाला फूल बेगम की गोद की रौनक बना सकती हो? मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। आप मेरे औलाद अपनी बेगम साहिबा को देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, शौहर की खुशी और उसकी मोहब्बत पर एक बीवी अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकती है। और अदा जिंदगी का ये फर्ज भी अदा कर देगी। अदा, आदा वर्दर सुल्तान साहब। आदा वर्दर उस्फा साहब। आप और अलग सुबह? अम्मी हुजूर से आपकी तीसरी शादी की खबर सुनी, सोचा आपको मुबारकबाद देता जाऊं। आप भी नश्ता चुपो रहे हैं रुस्वा साहब। बखुदा हम बहुत परेशान हैं, हमें इस परेशानी से नजात दिलाने की कोई तरकीब बताइए। तरकीब? आपकी अम्मी हुजूर के सामने कोई तरकीब न चलेगी, उन्हें सिर्फ खानदान का चिराग चाहिए। चिराग तो अब रोशन होने वाला है। उमराव बेगम कुछ अरसे में माँ बनने वाली है, और उन्होंने वादा भी कर लिया है कि वो अपने बच्चे को बेगम की गोद की जीनत बना देंगी। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके अम्मी हुजूर से मुलाकात करके एक ऐसी चाल चलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रुस्वा साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। आपका फरमाना बजा है अम्मी हुजूर, मगर अर्ज ये है कि आप एक कोशिश तो कर देखिए। शाह साहब का दिया हुआ ताबीर जादू का असर रखता है। आज तक हजारों अंधेरे घरों को रोशन कर चुके हैं शाह साहब। अच्छी बात है, बाखुदा हम बहू बेगम पर सौंप लाने में हरगिज खुश नहीं। अगर खुदा इन्हीं की गोद हरी करते तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। रुस्वा साहब, आप हमें शाह साहब के पास कब? हुजूर के पास तो हाजतमंदों का मजमा लगा रहता है, मगर मैं आज मुलाकात करके वक्त मुकर्रर किए लेता हूँ। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। कौन? बैठ जाइए। एतशर के अम्मी हुजूर। हाँ, तो आपके साहिबजादे की शादी होकर 8 साल हुए, मगर कोई औलाद नहीं हुई। आपका शायद बिल्कुल बजा है शाह साहब, अगर आपकी नजरे करम हो जाए तो। नजरे करम तो अल्लाह की चाहिए, हम क्या हैं, हमें तो बना दिया गया है। क्यों रुस्वा साहब? जी हाँ हुजूर, बजाय शाह फरमाते हैं, मगर अम्मी हुजूर पर रहम खाइए, ये बहुत दूर। अभी अभी खुदा की तरफ से हमें हुक्म हुआ है क्या आपके दिल की मुराद पूरी कर दी जाए। हम तावीज देते हैं, मगर कुछ बहुत कड़ी शर्तें भी हैं इसके साथ। मैं हर कड़ी से कड़ी शर्त पूरी करूंगी शाह साहब। तो सुनिए, बहू बेगम के बाजू पर तावीज बांधने के बाद औलाद होने तक आपका साया भी बहू पर नहीं पड़ना चाहता। मैं कभी भी उसके कमरे में नहीं झांकूंगी। आपकी आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके रहने का इंतजाम किसी दूसरी जगह कर दिया जाएगा। और अगर कभी गलती से आप वहां चली गईं,
तो समझ लीजिए कि बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, या लूला लंगड़ा और अंधा बच्चा पैदा होगा। नहीं नहीं शाह साहब, आप मेरी तरफ से इत्मीनान रखिए। अच्छी बात है। यह है तावीज मुबारक, आप बांधेंगे तो हो चुका बच्चा। आप ही के साये से तो बहू बेगम का बच्चा दूर भाग रहा, ये काम शौहर का है। उठिए सुल्तान साहब, तावीज लीजिए। बावजू हो बेटा? जी हाँ हुजूर, आने से पहले गुस्ल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुसवा साहब। हुजूर, इबादत में खलल हो रहा है जी। जल्दी से तशरीफ ले जाए। चलिए मैं हुजूर। आई शाह साहब, मैं आपकी खिदमत में कुछ नजराना। आप क्या देंगी नजराना, पूछिए रुसवा से। हम कहेंगे तो रुसवाई होगी, जगह साई होगी। आइए तशरीफ ले जाए। शाह साहब, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ दिखा जलवा, उठा पर्दा, अरे खाओ पुलाव जरदा। ये लीजिए बेगम, इसे बांध लीजिए। छोड़िए ना, आप बांध तो लीजिए। अल्लाह, आखिर ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? मजाक तो हो चुका अम्मी हुजूर के साथ। सुनिए, आपके रहने का इंतजाम गोमती महल में करवा दिया गया है। जैसे ही छोटी बेगम साहब औलाद होंगी, बच्चा आपकी गोद में दे दिया जाएगा और आप माँ कहलाएंगी। ये है इस ताबीज का सर। लेकिन एक माँ अपनी भरी गोद खाली करने के लिए कैसे राजी हो सकती है? माँ की ममता ने हमारी तमन्ना के आगे सर झुका दिया। आफरीन है उमराव बेगम पर। नवाब साहब की जबानी आपकी तारीफ सुनकर आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गए थे हम। तशरीफ रखिए बहन। शुक्रिया। यूं तो हर शमा अपने घर को रोशन करती है, मगर जिसकी रोशनी दूसरों के घर तक पहुंचे, सही मानों में वही शमा है। ये आपकी जर्रा नवाजी है बेगम साहिबा, मगर एक औरत होती हुई आपने नवाब साहब की तमन्ना के आगे सर झुकाकर दुनिया में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा कर दिया है। ये तो हर शौहर परस्त औरत का फर्ज है बहन। हमने कौन सा कमाल कर दिया? कमाल तो आपने किया है। दुनिया में वो कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने जिगर का टुकड़ा काट कर किसी दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाए? आपकी इस कुर्बानी और इसार का कोई जवाब नहीं। मुबारक हो, खुदा ने हमें चांद सा बेटा दिया है। आपको भी मुबारक। Thank you.
दिन आए सहरा बंधे सर पे तेरे, वो दिन आए सहरा बंधे सर पे तेरे, दुल्हन लाए तू ब्याह के लाल मेरे, मिले दिल से दिल बाजे शहनाई अंगना, झूलो ललना झूलो झूलो ललना, झूलो ललना झूलो झूलो ललना, यानी के डोरी सोने का पलना, झूलो ललना झूलो झूलो ललना, झूलो ललना झूलो झूलो। बाहर का आना जरूरी है लोटन साहब, आप तशरीफ तो रखिए। ये तो आप 365 दिनों से फरमा रही हैं, मगर देखिए खानम भी, हमने अशर्फियों की थैलियां देने में कभी कमी नहीं की, लेकिन आपने अपना वादा आज तक पूरा नहीं किया। अजी उमराव जान की कसम, हम तो अब भी 10,000-20,000 रुपया और निछावर करने के लिए तैयार हैं। कुर्बान जाऊं नवाब साहब, मुझे तो सिर्फ आप जैसे लोगों की दुआओं की जरूरत है। आप बेफिक्र रहिए, एक हफ्ते तक उमराव जान इस घर में जान बनकर आ जाएगी। ये सुनकर तो हमारी जान में अभी से जान आ गई। अच्छा तो ये लीजिए, पेशगी नजराना कबूल हो, अब हम चले, लीजिए ना। इसकी क्या जरूरत है नवाब साहब, पान तो खाते जाइए। अजी अब तो उनके बगैर इन होंठों पर पान की लाली भी हराम है। जी हाँ, बहुत उम्दा है जी हाँ, बड़ी नवाजिश है जी हाँ। मगर साहबजादे, उमराव पर सुल्तान की मोहब्बत ने जादू कर रखा है, वो जाने के लिए कैसे राजी होगी। जरूर होगी, सुल्तान की मोहब्बत से माँ की मोहब्बत का पल्ला ज्यादा भारी है, खबर सुनते ही चलने के लिए बेचैन हो जाएगी। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। ये लो पेश की इनाम, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, आप फिक्र न कीजिए। अच्छा आदाब। जीते रहो। बेगम साहबा, कोई साहब फैजाबाद से आए हैं। फैजाबाद? जी हाँ, आपके घर वालों की कोई खबर लेकर आए हैं। उन्हें बराबर के कमरे में बिठा दो, मैं अभी आती हूँ। बहुत बेहतर। आदाब बजा लाता हूँ। कैसे आना हुआ आपका? एक खुशखबरी सुनाने हाजिर हुआ हूँ। पिछले दिनों मैं फैजाबाद गया था, तो वहाँ मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपकी वालदा साहिबा जिंदा है। लेकिन पहली दफा आप? जी वो तो सुनी सुनाई बात थी, लेकिन इस मरतबा तो मैं खास तौर से जांच करके आया। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। और मेरा भाई? भाई के मुतालिक तो कुछ सुना नहीं, खैर अब की मर्तबा गया तो जरूर पता लगा। कब तक जाइएगा? ये सुनकर तो मेरा भी इरादा पूरा है जाने का। जरा ठहरिए, मैं सोचकर अभी बताता हूँ। अगर आपके जाने का इरादा पक्का हो तो आज ही चलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे एक दिन जाना तो है मुझे, मगर अभी नहीं जा सकती। जी हाँ, शादी की जंजीरों ने पांव जकड़े हैं आपके। ठीक ही तो है, शौहर की मोहब्बत के सामने किसी की मोहब्बत कोई हैसियत नहीं रखती। ये बात नहीं है, इस लंबी जुदाई से जो बीत रही है मेरे दिल पर, वो मेरा दिल ही जानता है। मुझे सिर्फ वक्त का इंतजार है, फिर तो एक पल भी न ठहर सकूंगी यहाँ। अच्छी बात है, तो मैं उस वक्त का बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। खानम बी के यहाँ पयाम भिजवा दीजिएगा मुझे। अच्छा खुदा हाफिज। कौन है तुम? बाजार के मनचलों की जवानी, कोठे की मलका, कूचों की रानी। मेरा ख्याल है कि आप गलत फहमी के शिकार हो गए। गलत फहमी का शिकार तो हम उस दिन हुए थे जिस दिन एक बाजार में बैठने वाली तवायफ को अपने दिल में जगा दी थी। गलत फहमी का शिकार तो हम उस दिन हुए थे जिस दिन हमने एक इज्जत बेचने वाली कोठे की रानी को अपने महल की मलका बनाया था।
आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हम नींद से बेदार हुए हैं और देख रहे हैं कि तवायफ एक रंगीन ख्वाब है जिसकी ताबीर बेइज्जती, बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं। इस वक्त आप गुस्से में हैं, जरा इत्मीनान से बैठ जाइए, मैं आपको सारी हालत सुनाती हूँ। अब भी कोई सुनने की गुंजाइश बाकी है? जो बातें हमारे कान सुन चुके हैं, जिस मंजर को हमारी आंखें देख चुकी हैं, तुम उन्हें झुटलाना चाहती हो? मगर सरदार, चुप रहो, तुम्हारे इस नापाक मुंह से अब इस लफ्ज की तौहीन हो रही है। जाओ बाजारे हुस्न के कोठे पर बैठकर अपने हुस्न की नुमाइश करो, अपनी जवानी की तिजारत करो। तुम हमारे दिल से तो निकल ही गई, अब हमारे इस महल से भी निकल जाओ। मुझे सफाई पेश करने के लिए कुछ वक्त तो दीजिए, कुछ तो गुंजाइश रखिए मेरे लिए। गुंजाइश? तुम्हें जान से नहीं मारा, ये गुंजाइश क्या कम है? हम एक जलील तवायफ के खून से अपने हाथ रंगना भी अपनी तौहीन समझते हैं। दूर हो जाओ हमारे नेत्रों से।
अब आंसू लिए बैठी हूँ आंखों में। खानम को मालूम था कि एक घड़ी ऐसी भी आने वाली है। तकदीर की खेती कभी कभी लोग खुद अपने हाथों उजाड़ दिया करते हैं, ना तजर्बेकारी। खानम भी, खानम ने सब कुछ सिखा पढ़ा दिया था, मगर तुमने जिंदगी का राज न सीखा। ये मर्द खुदगर्ज बेवफा मतलब के साथी, अपनाने को सबको तैयार, किसी के हो रहने पर सबसे इनकार। खानम भी, खुदा के लिए चुप हो जाइए। अरे मैं तो हाथ रख लेती हूँ मुंह पर अंधेरा उजाला दिखाने आई थी तुम्हें। बस अब बहुत ओली, चलो मेरे साथ। साथ तो अब किसी और का हो रहा है जिंदगी भर का। वो हमें पराया समझे, मगर हम जिंदगी भर उन्हें अपना ही समझते रहेंगे। खानम भी, मेहरबानी करके इस वक्त चले जाइए। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, फिर आ जाऊंगी। एक ना एक दिन खुद ही समझ जाओगी। क्या बात है बेटी? सुना है नवाज साहब से तुम्हारी कुछ तकरार हो गई है। मेरी तो दुनिया ही लूट गई उस्ताद जी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से कहीं ले चली। मैं पल भर के लिए भी यहाँ रहना नहीं चाहती उस्ताद जी, नहीं रहना चाहती। बेटी, तुम्हारे इस बूढ़े बाप ने तो नसीहत की थी कि पांव बाहर ना निकले, अगर निकले तो जनाजा ही निकले। तुम इतनी जल्दी भूल गई? वो नसीहत एक बीवी के लिए थी, मगर अब वो मुझे तवायर समझते हैं, जलील समझते हैं। क्या हो गया है नवाब साहब को? आखिर बात क्या है बेटी? आप बैठे, मैं सब बताती हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी का क्या सवाल है? कान धोखा खा सकते हैं, आंखें धोखा नहीं खा सकती। हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। लेकिन जो औरत शौहर पर अपनी औलाद तक कुर्बान कर सकती है, वो बेवफाई कैसे कर सकती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आपको समझने की जरूरत भी नहीं, बस खत्म कीजिए इस किस्से को। उन्होंने मुझे यहां तक कह दिया, जाओ बाजारे हुस्न में बैठकर अपने हुस्न की नुमाइश करो, अपनी जवानी की तिजारत करो। तुम हमारे दिल से निकल गई, अब हमारे महल से भी निकल जाओ। बस करो बेटी, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर सीना छलनी हो गया है मेरा। जी में तो आता है कि अभी जाऊं और जाकर नवाब साहब को ऐसा सबक सिखलाऊं कि जिंदगी भर याद करते रहे। किसी की जिंदगी से खेलना कोई मजाक है? उन्होंने खिलौना समझ रखा है तुम्हारी जिंदगी को। समझने दीजिए, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं। अगर शिकवा करती हूं तो मेरी मोहब्बत पर इल्जाम आता है। मैं अब भी यही कहती हूं कि मेरे दिल ने उन्हें जिंदगी का साथी बनाने में कोई गलती नहीं की थी। वो भले भूले आबाद रहे, मेरी नजरों में वो अब भी बहुत अच्छी है। मेरी किस्मत बुरी है उस्ताद जी, मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दीजिए। अच्छा बेटा, शायद भगवान की यही मर्जी है कि जिन हाथों से तुम्हारा डोला इस घर में आया, उन्हीं हाथों से तुम्हारे अनमारों का जनाजा भी निकले। चलने की तैयारी कर। ए बुआ, क्या तोता उड़ गया? पर तो कतरे थे, फिर भी उड़ गया। हुसैनी जी, जी आई खानम भी। यहाँ सोने की चिड़िया उड़ गई और तुम उस जंगली तोते को रो रही हो। क्या हुआ खानम भी? प्यारे मियाँ खबर लाए हैं, उमराव शहर छोड़कर चली गई। ओए अल्लाह, क्या सचमुच? हाँ हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ।
चली गई कहाँ? खबर नहीं, आए किसी से कुछ कहकर नहीं गई, और ये आपके नाम ही खत दे गई। खत मेरे नाम? जी। रुस्वा साहब तस्लीम, आखिरी सलाम कबूल हो, मुझे अपनी तकदीर के सवा और किसी से शिकायत नहीं है। आपके देश को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के। मुसीबत का किए जा सामना, कांटों पे चलता जा, अगर मंजिल पे जाना है तो गिर गिर के संभलता जा। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। मालिक है वही सबसे बड़ा पालने वाला, है वही सबसे बड़ा पालने वाला, चूंकी को भी देता है जो खाने को निवाला। बंदों पे हमेशा ही कर्म उसका रहा है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। तुमने उमराव को बेघर करके हमारा घर उजाड़ दिया, अब क्या मांगने आए हो? खानम भी, मैंने तुम्हारे खातिर अपना बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो तुमने भी तो हमारी जायदाद बर्बाद की है। ये ना भूलो कि जो नवाब सुल्तान को धोखा दे सकता है वो उन पर ये राज भी जाहिर कर सकता है। अरे वाह मियां साहबजादे, दूध के दांत तो टूटे नहीं अब तक, और बात करने आए हो। बात बिगड़ने से पहले एक बार और सोच लो तो अच्छा है। मैं कहती हूँ तू चला जा यहाँ से, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि अपनी शक्ल खुद ना पहचान सकोगे। बंद करो। खानम भी, मैं कहता हूँ जबान को लगाम दो। चले जाओ यहाँ से। बेटी, उठो।
क्यों बेटी, तुमने सुबह की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मैंने आज से नमाज पढ़ना बंद कर दी। ऐसा ना कहो बेटी, खुदा के बंदों से हमें लाख गिला सही, मगर खुदा से तो हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। खुदा? कैसा खुदा? जिस खुदा की खुदाई में इतना अंधेर हो रहा हो, वो खुदा आंखें बंद करके बैठा तमाशा देखता रहे? नामुमकिन है। दिल की झूठी तसल्ली का नाम खुदा रख दिया है। बेटी, थोड़े से दुख उठाना पड़े तो खुदा को भूल गई, ये बहुत बुरी बात है। किसी ने सच कहा, सुख में जपे भगवान की माला, निर्धन और धनवान, दुख में जो भगवान को न भूले, सच्चा वो इंसान। मगर दुखों की भी कोई इंतहा होती है। जब से मैंने होश संभाला है, रहा तो आराम का एक दिन भी तो मेरे हिस्से में नहीं आया। खुदा की रहमत के दरिया में से एक खतरा भी तो प्यास बुझाने को नहीं मिला मुझे। बेटी, खुदा कहो या भगवान, हिंदू हो या मुसलमान, मंजिल सबकी एक है, मगर उस मंजिल का रास्ता कठिन है। आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, धर्म और ईमान की जोत बुझ जाने के लिए भड़क उठती है। जिसने हिम्मत हार कर इस जोत को बुझा दिया, वो ठोकर खा गया, और जिसने मुश्किलात का मुकाबला करके इस जोत को जगाए रखा, वो एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाता है। सुनो बेटी, हजारों कारवां लूटे गए, मंजिल की राहों में जो गम का सामना करता गया, मंजिल पे वो पहुंचा। दर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। ये कैसी खुदाई है भला, कैसा खुदा है, लुटती हुई दुनिया भी बची, जान बची कैसे ये बोलो, वो कौन सी ताकत थी जरा दिल को टटोलो, है जिसका करम हम पे उसी से ये गिला है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। कुछ कम नहीं अपने लिए जीने के सहारे, कम नहीं अपने लिए जीने के सहारे, ईमान की दौलत है अभी पास हमारे, ये ऐसा सहारा है जो हर शय से बड़ा है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा 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 है। सुल्तान मियाँ, सुल्तान मियाँ। जी अम्मी हुजूर। तुम सुबह से कहाँ थे सुल्तान? अभी तक सफर की कोई तैयारी नहीं हुई, मालूम नहीं कल नन्ने की मन्नत पूरी करने हम लोग फैजाबाद के उर्स में जा रहे हैं। आप फिक्र न कीजिए अम्मी हुजूर, कल फजर की नमाज के बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे।
हुजूर रुस्वा साहब तशरीफ लाए। अच्छा हम अभी आते हैं, लीजिए रुस्वा साहब भी आ गए, हम दोनों मिलकर सफर की तैयारी करते हैं। अच्छा इजाजत दीजिए, आदत। कहिए रुस्वा साहब, कुछ पता चला? सारा लखनऊ छान मारा, कहीं पता नहीं चला। अब सिर्फ एक जगह बाकी रह गई, वो है फैजाबाद। फैजाबाद? खुदा करे कि आपका ख्याल दुरुस्त हो और वो बखैरियत फैजाबाद पहुंच गई हो। ठीक है, इत्तेफाक से कल अम्मी हुजूर भी फैजाबाद के उर्स में जा रही हैं, हम लोग भी साथ चले चलते हैं। बेहतर। ओ ठोकरे खाने से क्या होगा, खुदा से कर दुआ नादान, घबराने से क्या होगा, अल्लाह की रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का ऐ दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। टूटी हुई कश्ती को उसकी मौजों में किनारा मिल जाए। टूटी हुई कश्ती को उसकी मौजों में किनारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का है दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। निशा मंजिल का मिलता है, सदा रहबर कहिले से, हमेशा मुश्किलें आसान होती हैं वसीले से। आ, प्यारे हो खुदा के तुम आका, प्यारे हो खुदा के तुम आका, अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा। प्यारे हो खुदा के तुम आका, अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा। कर दो जो दुआ तुम मौला से, गिरते को सहारा मिल जाए। कर दो जो दुआ तुम मौला से, गिरते को सहारा मिल जाए। गिरते को सहारा मिल जाए, गिरते को सहारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का है दिल, जिसको भी सहारा मिल जाए। वो जिससे प्यार करता है, उसी को आजमाता है। खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। अब देर न कर तू हाथ उठा, अब देर न कर तू हाथ उठा, टूटे हुए दिल से मांग दुआ। अब देर न कर तू हाथ उठा, टूटे हुए दिल से मांग दुआ, टूटे हुए दिल से मांग दुआ। फरियाद जो वो
सुन ले तेरी, तुझको तेरा प्यारा मिल जाए। पर याद जो वो सुन ले तेरी, तुझको तेरा प्यारा मिल जाए, 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 तुझको तेरा प्यारा मिल जाए। अल्लाह की रहमत का है दिल जिसको भी सहारा मिल जाए, अल्लाह की रहमत का है दिल जिसको भी सहारा मिल जाए, अल्लाह की रहमत का है दिल जिसको भी सहारा मिल जाए। आपका बच्चा है? नहीं बेटी, मेरा पोता। आओ बेटा। चलिए मैं ले चलती हूँ, आप क्यों तकलीफ करती हैं? कोई बात नहीं, चलिए आप। शुक्रिया। माफ करना बेटे, तुम्हें तकलीफ दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आओ बेटा। अरे कैसे लिपटा जा रहा है, जैसे माँ की गोद देख ली हो। अंदर आओ बेटी, ये तो अपनी माँ के पास जाएगा। आओ बेटी। बहू बेगम जी, जरा अपने नन्हे को तो देखो, इस बेचारी ने प्यार और मोहब्बत से गोद में क्या उठा लिया कि हमारे पास आने का नाम ही नहीं लेता। दरगाह से खैमे तक कई बार हमने इसे लेने की कोशिश की, मगर बेसुध। ले लो अपने बच्चे को, इस बेचारी को अब जाने दो। लाइए। तेरा मेरा साथ तो पल भर के लिए था, याद करती रहूंगी, दुआएं देती रहूंगी। जा अपनी माँ के पास, लीजिए अपने लाल को। तशरीफ रखिए, हम लोग अपने नन्हे की मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं। शुक्रिया, मुझे जल्दी जाना है। आधा सुनिए तो, मुझे आपसे एक बात कहनी। बहू बेगम, क्या तुम इस सास को जानती हो? जी हाँ। जी नहीं। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या बात है? ये औरत कौन थी? जी अभी बताती हूँ। रजिया जरा नन्हे को लेना। ये बात तुम आज हमें बता रही हो, जब पानी सर से ऊंचा हो गया और सुल्तान की भी ये हिम्मत कि हमारे जीते जी मनमानी करने लगा। गुलशन जी। हुजूर। सुल्तान मियां क्या कर रहे हैं? हुजूर शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कहो हमने बुलाया है, फौरन आ जाए। बहुत बेहतर, गजब कर दिया है तुम लोगों ने। यही ना मुफ्ती साहब का मकान। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी
मेरा नाम अमीरन है। मेरी बेटी का नाम भी अमीरन था। तुम किस खुशनसीब माँ की अमीरन हो। आपके क्या कहा? एक बार फिर कहो माँ, मैं तुम्हारी अमीरन हूँ। मेरी अमीरन। हाँ माँ, तुम्हारी पिछड़ी हुई बेटी, मेरी बेटी, मेरी जान, माँ, मेरी माँ, मुझे जी भर के देख ले दे। वही बिल्कुल वही, वही नाक नक्श, वही भोली सूरत। माँ मुझे कलेजे से लगा लो माँ। अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, मुझे जोर से निकालो माँ, मुझे जोर से। माँ माँ माँ, अनवर भैया कहाँ है? अनवर, हाँ माँ, तू बैठ बैठ, अभी बुला कर लाती हूँ, अनवर को बुलाती हूँ। मेरे माँ, माँ, अनवर, अनवर। आया माँ। बैठे। क्या माँ? अरे अरे ठीक है माँ। अरे कुछ बोले तो सही। तेरी बहन आई। मेरी बहन? अमीरन आई। अमीरन कहाँ? अमीरन भैया। बेटा, तुम दोनों चुप क्यों हैं? तुम बोलते क्यों नहीं? माँ, तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ। ये हमारी अमीरन नहीं। क्या क्या कह रहा है बेटा तू? माँ, इसका नाम अमीरन नहीं, उमराव जान है। तुझे कैसे मालूम? तूने इसे कहाँ देखा है? न पूछो माँ कि मैंने इसे किस रंग में देखा है। अगर इसके यहां आने की खबर भी किसी को मालूम हो जाए तो अब्बा मरहूम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, खानदान की नेकनामी पर धब्बा लग जाएगा। ये तू क्या कह रहा है अनवर? ये तेरी बहन है, तूने नहीं पहचाना इसे। देख, अपनी बहन को पहचानने की कोशिश कर। न रो मेरी बच्ची, मेरी जान। आ मेरे कलेजे से लग जा, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। माँ, जिसे तुम सीने से लगा रही हो माँ, वो हमारी इज्जत की जिंदा लाश है। अगर सही हालात बता दूं तो तुम इसकी सूरत भी देखना गवारा न करोगी। देखी ये अनवर क्या कह रहा है? कहते कहते कि इसकी आंखों को धोखा हुआ। कहते बेटी ये झूठ बोल रहा, ये झूठ बोल रहा। बोल बेटी, तो बोलती क्यों नहीं? ये क्या बोलेगी माँ? मैं सच कह रहा हूँ, ये नवाब सुल्तान के इशरत खाने की जीनत रह चुकी है। काश इसे दिलावर डाकू जान से मार देता। अपने बहन पर तो मत लगाता है नालायक। भैया सच कहते हैं। सुन लिया माँ? मगर ये भी सच है, किस्मत ने मुझे गंदी नाली में जरूर फेंका, लेकिन जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है उसी शरीफ खून ने मुझे बचा लिया। आपने जिस आदमी के घर में मुझे देखा, मैंने उसी से शादी कर ली। भैया शादी कर ली? क्यों झूठ बोल रही है? बता दे बेटी, बता दे इसे, तेरा घर कहाँ, तेरा शहर कौन है?
बता दे, बता दे इसे, बता दे। मगर अब तो घर भी छीन गया, शोहर भी रूठ गया, खुदा भी रूठ गया। माँ, मेरी बच्ची माँ। ये सब बनावट है माँ, ये जिस माहौल में पली है वहां रोज शादी होती है। इससे पहले कि मैं अपने खानदान की इज्जत की खातिर तेरे सीने में छुरी भोंक दो, निकल जा यहाँ से। अब ये तुम्हारी बच्ची नहीं बल्कि लखनऊ के नवाबों की इज्जत का खिलाड़ी है। कोठे पे बैठने वाली एक तवायफ है। कौन कहता है कि ये तवायफ है? ये हमारी बीवी है। हम इनके शौहर हैं। उमराव देखो, अम्मी हुजूर तशरीफ लाई। आओ बेटा। सुल्तान, इससे पहले कि हम कुछ कहें तुम इनसे माफी मांग लो। उमराव बेगम, हम गलत फहमी का शिकार हो गए थे, हमसे बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। बेटी, बड़ी बेगम से तुम्हारे कुर्बानी की दास्तान सुनकर हम तुम्हें लेने आए। तुमने जिस अंधेरे घर का चिराग रोशन किया वो घर अब तुम्हारा भी है। भाभी जरा इधर देखिए, लीजिए अपने मुन्ने को। आज से ये आपका भी। रुस्वा साहब, इस बच्चे के सिलसिले में आपने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया। अम्मी हुजूर, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, शायद सुल्तान साहब ने गलती से उमराव बेगम साहबा की तावीज बांध दिया होगा। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह भगवान, तेरी लीला। दर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है,